आपका 100-500 रुपए का नुकसान अपने देश के एक सैनिक की जान ले सकता है। आज हम रक्षाबंधन के इस त्यौहार पे चाइना जो चाइनीज वस्तुएं आती है उसमें एक रक्षा सूत्र हमारे देश की पद्धति को जानते हुए उसने भारतीय बाजार में रक्षा सूत्र भी निकाले हैं ताकि वो भारतीय बाजार में मतलब मोस्टली अपना मतलब जो हिस्सेदारी है वो तय कर सके। इसलिए हमने एक मुहिम शुरू की है कि हम रक्षाबंधन पे भारतीय रक्षा सूत्रों को बांध कर रक्षाबंधन मनाएंगे और चाइना की जो राखियाँ चाइना मेड जो राखियाँ मार्केट में है और व्यापारियों को उनके प्रति जागरूक करेंगे ताकि अगले कोई त्यौहार या रक्षाबंधन पे वो ऐसा कोई सामग्री यहाँ लेके ना आए और लेके आए तो हमें इस तरह उनका विरोध ना करना पड़े और कम से कम आमजन में इसके प्रति जागरूकता हो, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट भारत है और वो भारत के पैसों से भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वो पाकिस्तान को फंडिंग करता है, वो सैनिकों को हमारी देश की सीमा में भेजता है और यार कुछ कई लोगों का ये भी कहना है कि भारत सरकार को इसको बैन कर देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत एक सदस्य होने के कारण भारत किसी भी विदेशी वस्तु को भारत में आने से पहले रोक नहीं सकता, उसके लिए कुछ मापदंड जरूर तय कर सकता है। अगर वो भारत उस देश की सामग्री को यहाँ आने से रोकता है तो भारत की सामग्री भी विदेशी देशों में नहीं बिक सकेगी। ये एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये एक बॉन्ड हो चुका है सभी देशों के बीच में। आज रक्षा का बंधन के त्यौहार पर चाइना की जो रक्षा राखड़ी आती है उनको जलाकर और उनका बहिष्कार किया जा रहा है। किस कारण? यह चाइना जो इंडिया में बिकती है उन्हीं पैसों से वह चाइना अपने जो बॉर्डर पे रक्षा कर रही है उनके ऊपर गोलियां बरसाते हैं और उनको ही मारते हैं उन्हीं पैसों से। इस कारण इनका बहिष्कार करके उन इनकम को रोकने के लिए हमने यह कदम उठाया।